शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। हम लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था, 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। ये 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें, ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो, कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए, वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बनाकर के एक उसका पालन करेंगे, और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी में भी योगदान देगी, और फिर अपराधी के खिलाफ समय पर विवेचना हो सके, चार्जशीट समय पर दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पर आगे बढ़ा सकें, अपराधी को समय पर दंडित भी कर सकें, क्योंकि सब कुछ मिलाकर के जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का सुरक्षा, सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे, और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया, भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए, और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है, साथ साथ उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया, परिणाम हमारे सामने है कि अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना, और प्रोसिक्यूशन को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना। सबसे बड़ा आबादी का राज्य था, स्वाभाविक रूप से चुनौतियां भी थीं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच से रास्ते निकले, आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। लेकिन अन्य फील्ड में भी कार्य होने थे, अन्य अनेक कार्यक्रम हुए, जैसे यहां पर बताया गया अभी वर्तमान में 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को प्रदेश सरकार पेंशन की सुविधा का लाभ देती है, और ये पेंशन की सुविधा हर महीने उन परिवारों को उपलब्ध होती है जिसमें से 31 लाख से अधिक तो केवल निराश्रित महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,75,00,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, और मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें आधार से लिंक करें जिससे हम उन्हें फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दीपावली के पहले पहले भी एक एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। हम शासन से आदेश कर चुके हैं ये कार्रवाई केवल आगे बढ़नी, आधार से लिंक होते ही हम पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने 55,00,000 लोगों को एक एक आवास भी उपलब्ध कराया है। आप देख रहे होंगे जो संख्या में बोल रहा हूं ये 55,00,000 है, और 66,00,000 परिवार ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था कि व्यक्ति ग्राम सभा के भूमि पर अपना घर बना लेता था, अगर मकान कभी
क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया और परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, गांव में दबंग लोग फिर आवास नहीं बनाने देते थे। अब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से 66 लाख परिवारों को अब तक जहां पे उनका घर है वहीं का मालिकाना का अधिकार भी उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया है। इसमें अधिकतर महिलाओं को अधिकार दिया गया।